बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स क्लास में आपको खुशामदीद। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का नाम है मेजरमेंट। तो आज के क्लास में हमने फिजिक्स का दूसरा चैप्टर शुरू करना है, मेजरमेंट इसका नाम है। इस चैप्टर में, मेजरमेंट चैप्टर में जो सबसे पहली चीज हमें समझनी होती है उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, देखा जाए तो ये बड़ी आसान सी चीज है समझने के लिए, लेकिन फिजिक्स में ये बहुत मायने रखती है। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? ऑब्जेक्ट की उन खासियत को, उन प्रॉपर्टीज को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं, जिनको आप नाप सकते हैं, यानी जिनकी आप मेजरमेंट ले सकते हैं। हर उस खूबी को जिसको आप मेजर कर सकते हो ना, उसको आप फिजिकल क्वांटिटी कहोगे, और जिसको आप मेजर नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मिसाल के तौर पे आप किसी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होती है, उसकी लंबाई होती है, आप इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए, जिसको आप इंची टेप कहते हैं, आप इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को नाप सकते हो, लिहाजा लेंथ जो है वो फिजिकल क्वांटिटी हो गई। इसी तरीके से वजन जो होता है, जिसको हम फिजिक्स में कहते हैं मास, आप वजन नाप सकते हो। आपके पास अगर एक थैला है तो आपके पास ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको आप कहते हो बैलेंस। आप इस फिजिकल बैलेंस की मदद से ऑब्जेक्ट का वजन नाप सकते हो, मेजर कर सकते हो, लिहाजा मास जो होता है वो फिजिकल क्वांटिटी हो गया। आप टाइम को मेजर कर सकते हैं, किसी भी घड़ी से आप टाइम को मेजर कर सकते हैं। जैसे ये घड़ी मौजूद है जो इस वक्त टाइम शो कर रही है, हम टाइम मेजर कर रहे हैं कि हमें बोलते हुए कितना टाइम हो गया। तो टाइम चूंकि मेजर किया जा सकता है, तो टाइम भी क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरीके से टेम्परेचर, टेम्परेचर भी आप नाप सकते हो। इंस्ट्रूमेंट होता ही है जिसको आप थर्मोमीटर कहते हो। आपको अगर आपको देखना है कि आपका टेम्परेचर कितना है, आप डॉक्टर के पास जाओ, आपके मुंह में वो थर्मोमीटर डालेगा और आपको बता देगा आपका टेम्परेचर कितना है। उसने मेजर कर लिया आपका टेम्परेचर, डॉक्टर ने मेजर कर लिया, इट मीन्स कि टेम्परेचर जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो हर उस खूबी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम मेजर नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। जैसे किसी की खूबसूरती आप मेजर कर सकते हो, नहीं। किसी की बदसूरती आप मेजर कर सकते हो, नहीं। किसी की देखने की सलाहियत आप मेजर कर सकते हैं, नहीं। किसी की अकलमंदी को आप मेजर कर सकते हो, नहीं। किसी की बेवकूफी को आप मेजर कर सकते हो, नहीं। ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। तो हर उस खूबी को आप फिजिकल क्वांटिटी कहोगे जिसको आप मेजर कर सकते हो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के जरिए, किसी भी आले के जरिए। अगर आप एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को मेजर कर लोगे, दैट प्रॉपर्टी विल बी फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिक्स के अंदर सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी मायने रखती है। जो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होती, जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, फिजिक्स में उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। फिजिक्स में हम उनको अहमियत ही नहीं देते, ना ही हम उनके जिक्र करते हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटी होता है। सबसे पहली चीज इस चैप्टर में आपको ये समझनी है, फिजिकल क्वांटिटी ऑब्जेक्ट की वो खासियत जिनको आप मेजर कर सकते हैं। मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं चैप्टर के नाम पर। चैप्टर का नाम है हमारे पास मेजरमेंट। उर्दू में आप मेजरमेंट कहते हो नापना, किसी भी चीज को नापना आप मेजरमेंट कहलाता है ना। आपसे कहा जाता है कि यार लेंथ को नापो, लेंथ को मेजर करो। आप क्या करोगे, इंची टेप से आप लेंथ को मेजर कर लोगे। आपसे कहा जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट के वजन को नापो, आप क्या करोगे, फिजिकल बैलेंस लोगे और उसके जरिए उस ऑब्जेक्ट का वजन जो है वो मेजर कर लोगे। तो मेजरमेंट कैसे की जा रही है, गौर से देखें जरा। कंपेरिजन विद द स्टैंडर्ड, कंपेयर करके। अगर आपसे कहा जाता है एक ऑब्जेक्ट का वजन नापें, आप क्या करेंगे, आप ऐसा एक तराजू लेंगे, इसको आप उर्दू में तराजू कहते हैं, इंग्लिश में आप कहते हैं इसको फिजिकल बैलेंस। आप एक ऐसा तराजू लेंगे, तराजू के एक पान के अंदर, एक हिस्से के अंदर आप एक स्टैंडर्ड मास रख देंगे। एक स्टैंडर्ड मास यानी कि जो ऐसा मास जो सबके पास सेम होता है। एक किलो का पट्टा किसी भी ठेले वाले के पास चले जाओ, सेम होता है। एक किलो का पट्टा, दो किलो का पट्टा, पांच किलो का पट्टा जो होता है, किसी भी जगह पे चले आओ, इट इज सेम स्टैंडर्ड है वो। आप एक तरफ वो वजन रख दोगे स्टैंडर्ड मास, और दूसरी तरफ आप ऑब्जेक्ट को रखोगे। अगर आपका पान जो है फिजिकल बैलेंस जो है वो बैलेंस हो जाता है, बराबर हो जाता है, समझ जाओगे दोनों वेट बराबर हो गए। अगर आपका ये वाला ऑब्जेक्ट जो आपने रखा हुआ है ये नीचे है, तो आप समझ जाओगे ये भारी है, इसका वजन इससे ज्यादा है। और अगर ये ऊपर चले जाता है तो आप समझ जाओगे इसका वजन जो है इससे कम है ना। तो ऐसे हम मेजर कर रहे हैं चीजों को, कंपेयर करके। अगर हमें लेंथ नापनी है तो लेंथ का स्टैंडर्ड ये स्केल होता है, ये रूलर जिसको आप कहते हो। छोटे फॉर्म में आपके पास रूलर की सूरत में आता है, बड़ी फॉर्म के अंदर आपके पास वो इंची टेप होता है जो अभी आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था। दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। ये लेंथ का स्टैंडर्ड है।
दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाओ, आपको स्केल के अंदर बिल्कुल ऐसे ही बनावट नजर आएगी, सेम कैलिब्रेशन हुई भी होती है। ये नहीं है कि इंडिया के अंदर यहाँ पर 15 है और पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर 20 आ रहा है, ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर भी अगर इतना बड़ा स्केल होगा तो उसमें 15 डिजिट्स होंगे, पाकिस्तान में भी अगर इतना बड़ा स्केल होगा तो उसमें 15 डिजिट होंगे, यानी स्टैंडर्ड बना हुआ है पूरी दुनिया के अंदर एक जैसा। अब अगर आपको किसी चीज की लंबाई नापनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इस रबड़ की लंबाई नापनी है, मैंने क्या किया इसको स्केल के साथ रखा और कंपेयर किया। अब जब मैंने कंपेयर किया तो ये कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट्स आ रहे हैं। एक डिजिट 1 सेंटीमीटर है तो 5 डिजिट्स आ रहे हैं, इसका मतलब हो गया 5 सेंटीमीटर। मैंने मेजर कर लिया, मैंने इस रबड़ की लंबाई को नाप लिया। कैसे नापा? बाय कंपैरिजन विद द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड है ये मेरे पास स्केल, मैंने इस स्टैंडर्ड से कंपेयर करा, मुझे पता चल गया इसकी लेंथ कैसी। दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। अगर आपसे कहा जाता है मेजरमेंट लें, आपसे कहा जाता है मेजरमेंट लें, तो आप कैसे लेंगे मेजरमेंट? आप एक ऑब्जेक्ट को अगर आपने नापना है तो उसके स्टैंडर्ड से आप कंपेयर करेंगे, उसके स्टैंडर्ड से। ये नहीं है कि अगर आपको वजन नापना है तो आप स्केल से कंपेयर कर रहे हैं, या आपको लंबाई नापनी है तो आप फ्रेपान में लेके बैठे हैं, वो बैलेंस में लेके बैठे हैं, ऐसा नहीं है। आपको जब किसी भी चीज की मेजरमेंट करनी होती है आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड के साथ। स्टैंडर्ड के साथ आप कंपेयर करोगे, हर चीज का स्टैंडर्ड बना हुआ है। घड़ी स्टैंडर्ड होती है किसका, टाइम का। टेम्परेचर के लिए आप थर्मोमीटर को देख लो, उसमें रीडिंग्स डली हुई होती है, वो स्टैंडर्ड है। स्केल के लिए आपके पास सामने जो स्केल है, लोहे का टुकड़ा रखा हुआ है जिसमें नंबर्स डले हुए, ये स्टैंडर्ड है। और वजन का स्टैंडर्ड क्या होता है, ये छोटे छोटे जो मास के टुकड़े होते हैं ना, 1 किलो 2 किलो वाले पट्टे, ये स्टैंडर्ड है। अगर आपको लेंथ किसी भी चीज की मेजरमेंट करनी है, लेंथ की, मास की, टाइम की, आप स्टैंडर्ड से कंपेयर कर लोगे, स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे आपको मेजरमेंट मिल जाती है। तो ये मेजरमेंट होता है। आपको मेजरमेंट कैसे हासिल होती है, कंपेरिजन विद द स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड से कंपेयर करके। अब अगर आप स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, स्टिल यू नीड अ थिंग, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अगर आप स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहे हैं तब भी आपको मेजरमेंट के लिए दूसरी चीज भी चाहिए होती है, जिसको आप कहते हो मेजरिंग डिवाइस। जैसे कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड है मास का, ये जो बट्टा था 1 किलो वाला, और मेजरिंग डिवाइस क्या है, ये फिजिकल बैलेंस। इसी तरह इस लेंथ के अंदर, इस रूलर, इस लेंथ को नापने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड क्या है, ये जो हमारे पास रूलर पे नंबर लिखे हुए ना, ये स्टैंडर्ड है। और मेजरिंग डिवाइस क्या है, ये पूरा जो स्केल बना हुआ है, ये मेजरिंग डिवाइस है। तो हमारे पास मेजरिंग डिवाइस क्या होती है, ऐसी डिवाइस होती है जिनके जरिए हम मेजरमेंट लेते हैं। तीसरी बात, मेजरमेंट लेने के बाद जो आपको रीडिंग आती है, जो नंबर आपको हासिल होता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। फिजिक्स में ये टर्म भी बहुत मायने रखता है, मैग्नीट्यूड बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं आप। मैग्नीट्यूड क्या होता है, जब आप एक ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट कर रहे हैं और आपने उसको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के जरिए नापा, मेजर किया, तो आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे जो रीडिंग आ रही होती है उसको आप कहोगे मैग्नीट्यूड। मिसाल के तौर पे इस स्केल के जरिए मैं क्या नाप रहा हूं, मैं रबड़ की लेंथ को नाप रहा हूं। अब जब मैंने इसको कंपेयर किया तो स्केल पे मुझे क्या रीडिंग मिल रही है, 5 रीडिंग मिल रही है, तो ये 5 हो गया मैग्नीट्यूड। इसी तरीके से अगर इस मास के दौरान मैंने यहाँ पर जो स्टैंडर्ड भी रखा है, फॉर एग्जाम्पल 2 किलो का बट्टा रखा है, और ये दोनों पैन जो है वो बैलेंस हो गए, तो अब मुझे रीडिंग क्या मिल रही है, फिजिकल बैलेंस से 2, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड बहुत काम की चीज होगी, वो याद रखिएगा। तो दैट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होती है, अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नापना है, मेजर करना है, तो आप उसको मेजरमेंट करोगे। कैसे करोगे, कंपेरिजन विद द स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड से आप उसको कंपेयर करोगे, आपको मेजरमेंट मिल जाएगी। फिर मेजरमेंट हासिल करने के लिए हमने डिवाइसेस बनाई हुई है, हम उन डिवाइसेस की मदद से मेजरमेंट हासिल करते हैं, और उन डिवाइसेस को हम कहते हैं मेजरिंग डिवाइसेस। हर फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए अलग अलग डिवाइस होती है। स्केल को, लेंथ को नापने के लिए आपके पास स्केल्स होते हैं, मास को नापने के लिए आपके पास फिजिकल बैलेंस होता है, टाइम को नापने के लिए आपके पास घड़ी होती है, टेम्परेचर को नापने के लिए आपके पास थर्मोमीटर होता है। तो दे आर मेजरिंग डिवाइस जो किसी भी चीज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है, और मेजरमेंट करने के बाद जो आपको रीडिंग आ रही होती है उसको आप मैग्नीट्यूड कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं जी। अब हमारे पास है जी फिजिकल क्वांटिटी, जो हमने सबसे पहले पढ़ा उसकी टाइप। फिजिकल क्वांटिटी की टाइप को अब हम डिस्कस करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास 2 तरह की होती है, एक कहलाती है फंडामेंटल और एक कहलाती है ड्राइव। फंडामेंटल और ड्राइव क्या होती है, उनके लिए
तो फिजिकल क्वांटिटीज की दो टाइप होती है, एक कहलाती है फंडामेंटल और एक कहलाती है ड्राइव। अब इनको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, मैथ की एग्जाम्पल लेते हैं। वैसे तो हम बहुत सारी पेताश एग्जाम्पल से पटाए हैं, गोइंग टू स्टार्ट विद मैथ, क्योंकि मैथ मुझे अच्छा लगता है। मैथ में हमारे पास नंबर्स की बात की जाए तो बहुत सारे नंबर हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है कोई हद नहीं है, मैथ के जो नंबर्स हैं उनकी कोई हद नहीं होती है, खत्म ही नहीं होते, शुरू होते हैं चलते ही जाते, फिनिश ही नहीं होते, बहुत सारे नंबर हैं मैथ में आपके पास। बट इन सारे इनफाइनाइट नंबर्स के अंदर सिर्फ ये जो 10 डिजिट आपके सामने आ रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन 10 डिजिट्स को हम मैथ में कहते हैं कि ये फंडामेंटल हैं, ये बुनियादी है, क्योंकि ये जो 10 डिजिट्स हैं ये हमने डायरेक्ट बनाए हैं, डायरेक्ट हमने इनका शेप डिजाइन किया और इनका नाम रखा। जैसे मैंने एक सर्किल बना दिया और उसका नाम रख दिया 0, एक लंबी लाइन खींच ली उसका नाम रख दिया 2, 1, फिर मैंने एक लंबी लाइन को थोड़ा सा आड़ा करके उसके ऊपर टोपी पहना दी और मैंने इसका नाम रख दिया 7। तो ये डायरेक्ट डिजाइन हुए हुए नंबर है, इनको हमने कहीं से हासिल नहीं किए, इनको हमने हासिल नहीं किए, बस हमने इनको नाम रखा, इनको हमने बनाया, ये कहलाते हैं फंडामेंटल। इनको आप क्या कहते हो? फंडामेंटल डिजिट। उसके बाद इन 10 के अलावा बाकी जितने भी डिजिट्स होंगे आपके पास मैथ में, सबको गौर से देख लें, इन्हीं से मिलके बनते हैं। कोई सा भी डिजिट उठा लें आप, 10, 21, 32, 54, 78, 512 एंड सो ऑन, किसी भी डिजिट को आप उठा लें और गौर से देखें, वो इन्हीं फंडामेंटल से मिलके बना हुआ है। 54 को देखें, दो फंडामेंटल है 5 और 4, 78 को देखें दो फंडामेंटल है 7 और 8, 512 को देखें तीन फंडामेंटल है 5, 1 और 2। तो हमारे पास मैथ में दो तरह के नंबर हैं, एक ये 10, 0 से लेके 9 तक ये जो 10 डिजिट्स हैं दे आर फंडामेंटल, और बाकी तमाम जितने भी नंबर हैं उनको हम कहते हैं ड्राइव। अगर हम गौर से इनकी बात करें, इनकी करेक्टरिस्टिक देखें, तो पहली बात, फंडामेंटल डिजिट्स को हमने अडॉप्ट किया होता है, इनको हमने बस डायरेक्ट ईजाद किया है, इनका नाम रखा है बस। लेकिन जो ड्राइव डिजिट्स होते हैं वो हमने कोई बनाई नहीं, हमने कोई ईजाद नहीं किए, हमने फंडामेंटल्स को मिला मिला के ड्राइव डिजिट्स बनाए। जितने फंडामेंटल्स बनाते जाओगे एक नया ड्राइव डिजिट बनता जाएगा। दूसरी बात, फंडामेंटल कम होता है, आपको देख लें आपके सामने सिर्फ फंडामेंटल मैथ में 10 डिजिट्स हैं, लेकिन ड्राइव बेतहाशा होते हैं, बहुत सारे ड्राइव यूनिट्स होते हैं बेतहाशा। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल अगर हम लें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी यही मामला है, बेतहाशा वर्ड्स आपके पास मौजूद है, दुनिया के अंदर करोड़ों वर्ड्स हैं, लेकिन इन करोड़ों वर्ड्स के अंदर ये जो 26 अल्फाबेट्स होते हैं ए बी सी डी से लेके एक्स वाई जेड तक, ये 26 अल्फाबेट्स कहलाते हैं फंडामेंटल। क्यों? पहली बात, ये फंडामेंटल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि आप इनको इजाद कराए, आपने इनको डिजाइन करके इनका नाम रखा है, ए को डिजाइन किया इसका नाम रखा, बी को डिजाइन किया इसका नाम रखा, सी को डिजाइन किया इसका नाम रखा, आपने इनको डिजाइन करके इनका नाम रखा है, इसलिए इनको आप फंडामेंटल कह रहे हो। दूसरी बात, ये कम है, सिर्फ 26 है, कम है ये आपके पास सिर्फ 26, तो इनको आप क्या कहोगे? ये फंडामेंटल डिजिट्स हैं आपके पास, दे आर फंडामेंटल डिजिट्स ऑफ इंग्लिश। लेकिन इन फंडामेंटल डिजिट्स के अलावा बाकी जितने भी वर्ड्स आपको इंग्लिश में मिलेंगे, सन मून और जितने भी इंग्लिश के वर्ड हैं, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स नजर आ रहे हैं, दे ऑल आर ड्राइव, ये सारे ड्राइव हैं। क्यों? दो बातें, पहली बहुत ज्यादा है, फंडामेंटल से ज्यादा होते हैं ड्राइव, यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्ड हैं इंग्लिश में, बहुत ज्यादा वर्ड हैं ड्राइव। और दूसरी बात, आप हर ड्राइव वर्ड को देख लो, फंडामेंटल को मिला के बनाए हुए, आप इस सन को देखें तीन फंडामेंटल मिला हुआ है एस यू और एन, मून को देखें चार फंडामेंटल है एस ओ ओ और एन, तो ये ड्राइव डिजिट्स हो जाते हैं। तो हम क्या देखते हैं, इंग्लिश उर्दू मैथ सिंधी अरबी किसी भी लैंग्वेज को डालो, आप किसी भी लैंग्वेज को आप उठा लो, सारी लैंग्वेज के अंदर आपको दो तरह के अल्फाबेट्स या दो तरह के वर्ड्स मिलते हैं, एक फंडामेंटल होंगे दूसरे ड्राइव, फंडामेंटल कम होंगे ड्राइव ज्यादा होंगे, फंडामेंटल आपने डायरेक्ट बस उनको ईजाद किया होता है और ड्राइव को आपने फंडामेंटल से मिला के बनाया होता है। एक जरा अगर हम कॉमन एग्जाम्पल ले तो बेतहाशा फ्रूट है दुनिया के अंदर, बेतहाशा फ्रूट आम केला ये, लेकिन गिन सकते हो आप ये फ्रूट जो है ये फंडामेंटल हो गए, और आप इन फ्रूट्स को मिलाकर जो फ्रूट चाट बनाते हो रमजान में वो ड्राइव हो गई।
क्योंकि ये जो आम है ये आपने बनाया नहीं है भाई, ये कुदरत दे रही है आपको, आपने बस इसका नाम रखा है आम। आपने इसका नाम केला रख देता तो केला कहलाता ये, आपने इनको सिर्फ इनका नाम रखा है, आपने इनको ढूंढा और इनका नाम रख दिया, ये हो गया फंडामेंटल। और जो फ्रूट चार्ट होती है वो आप मिला मिला के चेंज करते रहते हो, आपने आम केला बनाया इसका एक नया नाम रख दो इस फ्रूट चार्ट का, केला और खरबूजा मिला इस फ्रूट चार्ट का एक नया नाम रख दो, तो ये ड्राइव हो जाएगा। तो फंडामेंटल कौन से हो गए, आम, ये तो फल है, ये फंडामेंटल है क्योंकि कम है, कम है, और दूसरा आपने नहीं बनाया, कुदरत ने किया। और जो फ्रूट चार्ट वगैरह है बहुत ज्यादा किस्म की वैरायटीज होती है फ्रूट चार्ट में, ड्राइव हो गई ज्यादा है, और आप इनको फंडामेंटल से मिला के बनाते हो। यही मामला फिजिकल क्वांटिटीज के साथ, बेतहाशा फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास दुनिया में मौजूद है, बेतहाशा। लेकिन उन बेतहाशा में से सिर्फ सात, कौन कौन सी सात, ये तो आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये जो सात फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको हम फिजिक्स में फंडामेंटल कहते हैं। यानी कि ये देख ले कम है, सिर्फ सात है, कम है बेचारी। और दूसरा, मैंने इनको नहीं बनाया, इनको हमने सिर्फ इनको ढूंढा है, डिस्कवर किया है, इनका नाम इजाद करा है बस। और इन सात के अलावा फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आपको मिलेंगी, जितनी भी करोड़ों हैं, जितनी भी मिलेंगी, दे ऑल आर ड्राइव, मिसाल स्पीड, एरिया, फोर्स, प्रेशर, मोमेंटम, जितनी भी टेंशन, वेट, टॉर्क, बेतहाशा फिजिकल क्वांटिटीज आपको मिलेंगी, वो सारी ड्राइव होंगी। क्यों ड्राइव है, क्योंकि एक ज्यादा है, उन सात में नहीं है, ज्यादा है, और दूसरा फंडामेंटल से मिल मिल के बनी हुई है। अभी जो स्पीड होती है ये लेंथ और टाइम से मिलके बनता है, लेंथ भी फंडामेंटल है, मास टाइम भी है, एरिया जो है वो लेंथ और ब्रेथ से मिलके बनता है, ये भी देख ले आप, दो फंडामेंटल से मिलके बन रहा है। फोर्स जो है वो मास, स्पीड और टाइम, तीन चीजों से मिलके बनता है, इसमें से मास और टाइम फंडामेंटल है, स्पीड एक ड्राइव है, और स्पीड ड्राइव है तो वो भी दो से मिलके बन रहा है, तो ये तो फोर्स तो बहुत ज्यादा चीजों से मिल मिलके बन रहा है। तो ये सारी जितनी भी क्वांटिटीज होंगी इन सात को छोड़ के, इन सात फंडामेंटल को छोड़ के, जितनी भी आपको फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में मिलेंगी आप उनको ड्राइव करो। तो ये बहुत ही सिंपल होता है, आप सिर्फ सात का नाम याद कर लें, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इन सात फिजिकल क्वांटिटीज के नाम याद कर लो, ये फंडामेंटल है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करती, ये हर कोई अपने आप से, अपने आप पर डिपेंड करती है बस, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। और इन सात के अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आपको फिजिक्स में नजर आएंगी, अगर वो इस सात के टेबल में नहीं है वो ड्राइव क्वांटिटी है, और अगर आप उसको ड्राइव कह रहे हो तो याद रख लेना वो फंडामेंटल से मिलके बनी हुई होंगी और फंडामेंटल पर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, लेंथ क्या होती है, लंबाई, मास क्या होता है, वजन, टाइम क्या होता है, वक्त, टेम्परेचर, दर्जा हरारत, तो चीज गर्म कितनी है उसको आप कहते हो टेम्परेचर, करंट आप सब जानते हैं, नहीं जानते तो स्विच में हाथ डालें और स्विच ऑन कर दें, महसूस हो जाएगा करंट, वो भी फंडामेंटल है। लुमिनस इंटेंसिटी हम कहते हैं रोशनी की शिद्दत, रोशनी की जो इंटेंसिटी, रोशनी की जो शिद्दत होती है, सूरज की रोशनी की दोपहर में शिद्दत ज्यादा होती है, यानी लुमिनस इंटेंसिटी ज्यादा होती है, शाम में बहुत कम होती है। सूरज की रोशनी की लुमिनस इंटेंसिटी ज्यादा है, और मून की जो रोशनी होती है, चांद की रोशनी, उसकी लुमिनस इंटेंसिटी कम है, शिद्दत यानी कि उसको आप लुमिनस इंटेंसिटी कहते हो, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि वो जो फिजिक्स में होता है, वो केमिस्ट्री में जो होता है मोल वगैरह, उसको आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहते हो। तो ये सात फिजिकल क्वांटिटीज आपकी फंडामेंटल हैं। और इन सात के अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, आप कहोगे तो वो ड्राइव है क्योंकि फंडामेंटल में नहीं है। मैं आपसे बोलूं वर्क क्या है, आप कहोगे ड्राइव है क्योंकि वो फंडामेंटल में नहीं है। मैं आपसे बोलूं पावर क्या है, आप कहोगे फंडामेंटल है, क्यों क्योंकि वो सॉरी ड्राइव है, क्यों क्योंकि वो फंडामेंटल में नहीं। जो फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल में नहीं होगी वो ड्राइव के लाइक। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारे पास दो टाइप हो गई फिजिकल क्वांटिटीज की, एक फंडामेंटल और एक ड्राइव। फंडामेंटल क्वांटिटीज बेसिक क्वांटिटीज भी कहते हैं आप इसको, दूसरा नाम क्या है फंडामेंटल क्वांटिटीज का, बेसिक। ये किसी पे डिपेंड नहीं करती, ये सात जो फिजिकल क्वांटिटीज है ये सिर्फ अपने आप पर ही डिपेंड करती है, किसी पे नहीं। यानी लेंथ मास पे डिपेंड नहीं करता, मास टाइम पे डिपेंड नहीं करता, किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, मास किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता, अलग होता है। सात है टोटल आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज, कौन कौन सी आपको बता दिया प्रीवियस स्लाइड में, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी और करंट। और फिर ड्राइव की बात करें तो पहली बार ड्राइव जो है वो फंडामेंटल से हासिल की जाती है, फंडामेंटल को मिला मिलू के आप ड्राइव बनाते हो, एक बात। दूसरी बात,
ये ड्राइव क्वांटिटीज जो होती है जिनसे फंडामेंटल से बनती है ना, उन्हीं पर डिपेंड कर रही होती है। सिर्फ सात को आप छोड़ दें तो बाकी तमाम जो क्वांटिटीज है वो ड्राइव पिलाएंगी। कौन सी सात? वही फंडामेंटल सेट वाली आप छोड़ दें, बाकी तमाम जो है वो ड्राइव पिलाएंगे। एक एग्जाम्पल मैंने लिखी हुई यहाँ पे नीचे, स्पीड, स्पीड जो है वो ड्राइव है। स्पीड जो है वो ड्राइव है, और भी जितनी भी आपको मिलेंगी अगर साथ में नहीं है तो वो ड्राइव है। अब आते हैं अगली चीज पर, यूनिट। ये भी फिजिक्स के अंदर एक बहुत ही काम का चैप्टर है, टॉपिक है। ये यूनिट बहुत काम की चीज होती है। यूनिट क्या होता है? यूनिट की डेफिनेशन ये है कि फैक्टर्स दैट एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी, वो चीजें या वो सिंपल्स या वो छोटे छोटे वर्ड्स जिनके जरिए हम फिजिकल क्वांटिटी का पता लगा लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है उसको हम कहते हैं यूनिट। मिसाल के तौर पे अगर आपके सामने मैं कहूं कि ये 10 एक फिजिकल क्वांटिटी है, बताओ कौन सी, आप नहीं बता सकते। ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी नापी है और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे जो रीडिंग आ रही थी यानी कि मैग्नीट्यूड, वो मैंने आपको बता दिया 10। बताओ वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, आप नहीं बता सकते, आपको आइडिया नहीं हो सकता है लेंथ हो सकता है मास हो सकता है टाइम हो। मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी नापी, इंस्ट्रूमेंट के अंदर उसकी जो रीडिंग आ रही थी यानी मैग्नीट्यूड, वो आ रहा है 10, और अभी हमें ये समझ में नहीं आ रहा है ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। अब इस मैग्नीट्यूड के साथ अगर मैं एक वर्ड लगा दूं किलोग्राम, अब आपको पता चल जाएगा कि वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। किलोग्राम हम सब जानते हैं मास का यूनिट होता है, तो अब हमें पता चल गया 10 किलोग्राम का मतलब हो गया मैंने कोई वजन नापा है, आई हैव मेजर्ड अ मास, मैंने एक वजन नापा है। आपको कैसे पता चला कि ये वजन था? बाय दिस वर्ड, किलोग्राम जो वर्ड लिखा है ना, इससे अब आपको पता चल गया कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। इसी तरीके से अगर मैं इस 20 के आगे मीटर लिख दूंगा, आप समझ जाओगे कि ये लेंथ है। इस 15 के आगे अगर मैं सेकंड लिख दूंगा, आप समझ जाओगे कि ये टाइम है। तो आपको कैसे आइडिया हो रहा है कि ये किस फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है? इन वर्ड्स की वजह से, किलोग्राम, मीटर, सेकंड, इनको आप कहते हो यूनिट्स। तो यूनिट्स वो वर्ड है जो मैग्नीट्यूड के साथ अगर लगा दिए जाएं तो हमें पता चल जाता है कि किस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया गया है। ठीक है, प्रॉपर यूनिट आप लगा दो, आपको पता चल जाएगा किस फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है। 10 के आगे अगर मैं मीटर लगा देता तो ये लेंथ हो जाता, सेकंड लगा देता तो ये टाइम हो जाता, डिग्री सेंटीग्रेड लगाता तो ये टेम्परेचर हो जाता। तो यूनिट्स क्या है? वो वर्ड्स हैं जो अगर हम मैग्नीट्यूड के साथ लगा दें तो हमें पता चल जाता है कि हम किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। और याद रखिएगा एक बात कि फिजिक्स के अंदर एक फिजिकल क्वांटिटी जब हम लिखा करते हैं, आप देख लेगा पूरी फिजिक्स की बुक के अंदर, आपको जब कभी भी कोई फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी उसमें ये दो चीजें लाजमी होंगी, मैग्नीट्यूड और यूनिट। एक भी मिस कर दो आपकी बात अधूरी रह जाएगी। अगर आप यूनिट हटा देंगे तो आपको आइडिया नहीं होगा, खाली मैग्नीट्यूड से आपको ये आइडिया नहीं होगा किस फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है। और अगर आप खाली यूनिट लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लगा देंगे, तो आपको ये तो पता चल जाएगा फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि कितनी है। तो मैग्नीट्यूड आपको बताएगा कितनी है और किलो यूनिट आपको बताएगा कौन सी है। ठीक है, अगर हम यूनिट लिखेंगे हमें पता जाएगा किस फिजिकल क्वांटिटी की बात, और अगर हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो हमें पता जाएगा कितनी है। ठीक है जी, तो एक फिजिकल क्वांटिटी को जाहिर करने के लिए हम दो चीजें लिखते हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक यूनिट। तो आपको लेंथ, मास, टाइम या तमाम फिजिकल क्वांटिटीज इसी फॉर्म में मिलेंगी पूरी फिजिक्स की बुक के अंदर। पहले मैग्नीट्यूड लिखा हुआ होगा और आखिर में उसका यूनिट लिखा हुआ होगा। अब अगर हम आगे जाएं यूनिट्स की टाइप की बात करें तो यूनिट भी हमारे पास दो तरह का होता है, फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स कौन से होते हैं? वो जो सात फंडामेंटल क्वांटिटीज थी ना, लेंथ, मास, टाइम, वो जो सात फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, उनके तमाम यूनिट्स को आप फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। अब लेंथ के बहुत सारे यूनिट हैं, किलोमीटर, मीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, इसी तरह मास के भी बेतहाशा यूनिट हैं, टाइम के भी बेतहाशा यूनिट हैं। तो वो तमाम सात फंडामेंटल क्वांटिटीज के जितने भी यूनिट्स हैं, हम उन तमाम यूनिट्स को कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। इसी तरीके से ड्राइव यूनिट्स के जितने भी यूनिट्स होते हैं हम उनको ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उनके यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स कहलाएंगे, और जो ड्राइव क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट ड्राइव यूनिट्स कहलाएंगे। तो यूं हमारे पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इसी तरीके से हमारे पास दो तरह का यूनिट भी होता है। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताऊं। मैंने अभी आपको बताया कि एक फिजिकल क्वांटिटी के कई यूनिट्स होते हैं, जैसे कि
लेंथ का, अगर मैं इस वाली स्लाइड पर जाऊं वापस, ये मास लिखा हुआ है ना 10 किलोग्राम। अब किलोग्राम खाली अकेला थोड़ी है मास का, ये मास के यूनिट तो बहुत सारे, किलोग्राम भी है, ग्राम भी है, मिलीग्राम भी है, माइक्रोग्राम भी है, नैनोग्राम भी है, बेतहाशा यूनिट्स हैं मास के हमारे पास। तो अब ये बेतहाशा यूनिट क्यों होते हैं, व्हाई बेतहाशा यूनिट हमारे पास फिजिक्स के अंदर एक ही फिजिकल क्वांटिटी की, ठीक है जी। अब हम यहां से वापस जाते हैं दूसरी तरफ, एक मिनट रुकिएगा, 2 मिनट को मुझे टाइम दीजिएगा। तो हमने देखा कि यूनिट्स क्या होते हैं एक चीज, और फिर हमने ये भी देख लिया कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी के बेतहाशा यूनिट होते हैं, वजह मैंने आपको बता दी। अब आते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की तरफ, बस ये हम आज का आखिरी टॉपिक करते हैं, उसके बाद हम फिर आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं, फिर यहां से हम कल कंटिन्यू करेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, जिस तरीके से आपने देखा है कि पूरी दुनिया में हर मुल्क ने अपनी जबान अलग कर रखी है, अपनी करेंसी अलग कर रखी है, अपना टाइम जो टाइम जोन होता है उसको अलग किया हुआ होता है। अमेरिका के अंदर इंग्लिश जबान इस्तेमाल हो रही है, पाकिस्तान में उर्दू, सऊदी अरब में अरबी, अलग अलग जबानें की हुई है। इसी तरीके से हर मुल्क ने, हर दुनिया के हर मुल्कों ने अपने अपने यूनिट्स को भी अलग किया हुआ है। कोई कुछ लेंथ जो है कोई मीटर में इस्तेमाल कर रहा है, कोई लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में नापता है, कोई लेंथ जो है वो फुट में नापता है। इसी तरह कोई जो है वो मास जो है वो किलोग्राम में नापता है, कोई जो है मास वो ग्राम में नापता है, कोई मास जो है वो सिलक में नापता है। तो हर मुल्क ने अपने यूनिट्स को भी अलग किया हुआ होता है, इनको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। 3 तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जो आपकी दुनिया में चल रहे हैं, एक कहलाता है MKS, दूसरा कहलाता है CGS और तीसरा कहलाता है FPS। ये नाम बड़े आसानी से याद हो जाते हैं क्योंकि इन्हीं के अंदर इनका राज छुपा हुआ है। जिन ममालिक में MKS सिस्टम चल रहा है, जैसे कि पाकिस्तान में MKS है, तो जिन ममालिक में MKS चल रहा होता है वहां पर लेंथ नापी जाती है मीटर में, मास नापा जाता है किलोग्राम में और टाइम नापा जाता है सेकेंड में। तो ये मीटर का एम हो गया, किलोग्राम का के हो गया, सेकेंड का एस हो गया, इस वजह से हम इस सिस्टम को कह रहे हैं MKS। इसी तरह कुछ मुल्क है वहां पे CGS चलता है, जिन ममालिक में CGS चलता है वहां लेंथ नापी जाती है सेंटीमीटर में, मास नापा जाता है ग्राम में और टाइम नापा जाता है सेकेंड में। तो ये सेंटीमीटर का सी, ग्राम का जी और सेकेंड का एस, तो ये हो गया CGS। और तीसरा सिस्टम FPS कहलाता है। इस सिस्टम के अंदर जिन ममालिक में ये सिस्टम चल रहा है वहां पर लेंथ नापी जाती है फुट में, फोर्स नॉट मास। जिस ममालिक में FPS चल रहा है ना वहां पर मास फंडामेंटल नहीं है, वहां मास ड्राइव माना जाता है और फोर्स को फंडामेंटल माना जाता है, उल्टा कर दिया। हालांकि फोर्स ड्राइव है और मास फंडामेंटल है, लेकिन FPS वालों ने क्या करा, उल्टा कर दिया, मास को ड्राइव करने लग गए और फोर्स को फंडामेंटल। तो वो जो है लेंथ नापते हैं फुट में, फोर्स को नापते हैं पाउंड में और टाइम को नापते हैं सेकेंड में। तो इनका पहला लेटर ले लें FPS, तो ये सिस्टम बन गया आपका FPS। तो हमारे पास दुनिया में ये 3 सिस्टम्स हैं दुनिया में चल रहे हैं, एक जगह MKS चल रहा है, कुछ जगहों पे CGS चल रहा है, कुछ जगहों पे FPS चल रहा है। अब इनसे क्या नुकसानात हुए और उन नुकसानात का क्या हल निकाला गया, इसको हम इंशाल्लाह अपनी कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में